गुजरात के राजकोट में लगातार बारिश के चलते बिगड़े हालात, तेज बारिश के चलते बनी बाढ़ की स्थिति, भारी बारिश के चलते दिक्कतें भी पड़ी। राजकोट में भारी बारिश के चलते सड़कें दरिया में तब्दील, घुटनों तक पानी भरा, मकान और दुकानों में भी पानी घुसा। गुजरात में बाढ़ बारिश के बीच फंसे लोगों की प्रशासन ने की मदद, स्थानीय पुलिस ने लोगों को किया रेस्क्यू। सूरत के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर कई फीट तक पानी हुआ जमा, तस्वीरों में दिखा भयावह मंजर। सूरत में मूसलाधार बारिश के बाद कई गाड़ियां पानी में डूबी, यातायात भी प्रभावित, रिहायशी इलाकों में भी पानी घुसने से बड़ी लोगों की दिक्कतें। मुंबई में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव, मरीन ड्राइव पर समुद्र में उठी ऊंची ऊंची लहरें। नवी मुंबई में सुबह से ही मूसलाधार बारिश, तेज बारिश के चलते जगह जगह पानी भरा, लोगों की दिक्कतें बढ़ गई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने, रेस्क्यू टीम ने खेत और रिजॉर्ट में फंसे 30 लोगों को किया रेस्क्यू, सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। नवी मुंबई में भारी बारिश से लोगों की परेशानियां बढ़ी, तुर्बे पुलिस स्टेशन में भी पानी भरा। महाराष्ट्र में भारी बारिश की आशंका के बीच भंडारा जिले के गोसी खुर्द डैम के 32 गेट खोले गए, नदी किनारे रहने वाले को किया गया अलर्ट, अपने आप को सुरक्षित स्थान पर रखें। दिल्ली के कई हिस्सों में तेज बारिश, मौसम हुआ सुहाना, चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली। दिल्ली NCR में छाए काले घने बादल, दिन में भी छाया रहा अंधेरा, कई इलाकों में चली तेज हवाएं। MP के नर्मदापुरम में भी तेज बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा, मकान और दुकान में पानी घुसने से लोगों की दिक्कतें बढ़ी। मध्य प्रदेश के सीहोर में जोरदार बारिश के कारण तालाब में सड़कें तब्दील हुई, रिहायशी इलाकों में भी पानी घुसा। उत्तराखंड के गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर हुई भारी बारिश के बाद पहाड़ों से पानी जो मलबा है वो भरभरा कर गिरा, मलबे की चपेट में एक कार भी आ गई। ओडिशा के मलकानगिरी में भारी बारिश के चलते हालात बिगड़े, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए, आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ। बाढ़ की वजह से कई गांवों का संपर्क कटा, पानी में डूबी नजर आई सड़कें, लोगों का बाहर तक निकलना मुश्किल हुआ। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी में लगातार बारिश ने पैदा किए बाढ़ जैसे हालात, गोदावरी नदी का जलस्तर भी बढ़ा। तेलंगाना के भद्राचलम में गोदावरी नदी का वाटर लेवल 48 फीट पहुंचा, अधिकारियों को अलर्ट रहने के दिए गए हैं निर्देश। उत्तराखंड में बाढ़ बारिश को लेकर एक्शन में सीएम धामी, आपदा प्रबंधन केंद्र का किया औचक निरीक्षण, अधिकारियों से ली जानकारी।